फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि मेरी एक जोरा की पत्तियां इस तरह से सफ़ेद या पीली क्यों हो जाती हैं। और ये प्रॉब्लम अक्सर एक जोरा में बहुत ज़्यादा होती है, सुगंधराज में, और कभी कभी मेरे गुड़हल के प्लांट में हो जाती हैं। लेकिन मेरे तो कभी नहीं ऐसी प्रॉब्लम हुई। मेरी पत्तियाँ गुड़हल की हमेशा ग्रीन ही रहती हैं। लेकिन एक जोरा में मेरे दो प्लांट हैं। इसको मैंने कटिंग से लगाया था और इसको मैं खरीद के लाई थी। तो देखिए, ये जो कटिंग वाला है, इसकी लगभग सारी पत्तियां सफ़ेद हैं, कुछ ही में थोड़ी ग्रीनरी है, बाकी सब एकदम सफ़ेद हो गई हैं। अब इसकी भी कुछ कुछ हुई थी, लेकिन इसमें मैंने ट्रीटमेंट किया तो इसकी पत्तियां जो हैं, अब देखिए कुछ क्या बहुत ज़्यादा ग्रीन हो गई हैं, कुछ ही हैं जो सफ़ेद या पीली आपको दिख रही हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए हम क्या करें कि जो है इसका कारण क्या है, ऐसा होता क्यों है? ये प्रॉब्लम अक्सर आती है बरसात के बाद, क्योंकि बरसात के दिन में गमले में पानी लगातार भरता रहता है और पानी बहता रहता है। पानी के साथ मेरी मिट्टी की सारी न्यूट्रिशन बह जाती है और जो है सारी इसकी जो खाद हम लोग डालते हैं उसकी सारी गुणवत्ता चली जाती है। तो हमारे प्लांट्स में बहुत तत्व की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विशेषकर होते हैं आयरन और कैल्शियम। आयरन कैल्शियम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, लेकिन उसका हमारे प्लांट्स में बड़ा ही महत्व होता है। खासकर मेरी इन पत्तियों में क्लोरोफिल बनाने का जो है, क्लोरोफिल से ही हमारे प्लांट्स की ग्रीनरी मेंटेन रहती है। इस तरह से जैसे हमारे शरीर में ब्लड में हमारे हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर पीले रंग का होने लगता है, धीरे धीरे पीला पड़ता जाता है। और कैल्शियम की कमी से मेरी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो पूरा शरीर हमारा वीक हो जाता, हमको थकान सी लगती, कुछ काम करने का मन नहीं लगता, चेहरे पे वो रौनक नहीं रहती है। उसी तरह से हमारे प्लांट्स जो हैं, इनमें जब आयरन कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इस तरह से उनकी पत्तियां पीली या सफ़ेद हो जाती हैं और मेरा प्लांट उस तरह से बिल्कुल अच्छा स्वस्थ नहीं दिखता है जैसा कि और मेरे प्लांट्स दिखते हैं, जिनकी कि ग्रीनरी मेंटेन रहती है, जिनकी पत्तियां हरी रहती हैं, उनमें किसी तत्व की कमी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, इसके आज मैं इस आयरन और कैल्शियम की कमी को दूर करने का बिल्कुल मुफ्त की एक फर्टिलाइज़र कहिए या इलाज कहिए, मैं बताऊंगी कि जिसका उपयोग करके हम अपनी पत्तियों को इस तरह से उनकी ग्रीनरी लौटा सकते हैं, उनकी हरियाली लौटा सकते हैं। हरियाली लौटेगी तो मेरे पेड़ों में रौनक आएगी, मेरा प्लांट अगर हेल्दी होगा तो उसमें फ्लावरिंग भर भर के होगी। तो फ्रेंड, उसके लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं, बिल्कुल मुफ्त का इलाज है। ये देखिए, इस तरह से आपके घर में लोहे की बाल्टी हो या कोई भी लोहे का बर्तन हो, उसको आप बरसात जब हो तो रख दीजिए, बरसात का पानी इकट्ठा हो जाए। और अगर बरसात का पानी भी ना मिले तो यही साधारण पानी बाल्टी में, लोहे की बाल्टी में भर दें और उसमें और कुछ डाल दें लोहे का। ये देखिए, मेरे पास एक पुराना तवा था तो मैंने इसको इसमें डाल दिया था, तो देखिए पानी का रंग कैसा हो गया है। इसमें सारा बाल्टी का और इस लोहे के तवे का सारा आयरन पानी में मेरे आ जाएगा और मेरे पानी का रंग कुछ ऐसा हो जाएगा।
इस तरह से देखिए, अभी हम आपको डिब्बे में लेके दिखाते हैं। देखिए मेरे पानी का रंग कुछ इस तरह से हो गया है। इसमें साफ दिख रहा है कि आयरन इसमें भरपूर मात्रा में इस पानी में है। तो ये आयरन की ये पानी लेके आप अपने प्लांट्स में, फ्रेंड्स मैं आपको दिखाने के लिए वीडियो बना रही हूँ तो मैं दिखा रही हूँ। बाकी कल से इतनी बारिश हुई है कि हर गमले देखे इतने गीले हैं कि इसमें पानी डालना संभव नहीं है, इसलिए मैं डालूंगी नहीं। लेकिन आप इस तरह से एक इतना एक लीटर के लगभग, अगर आपका 10-12 इंच का गमला है, इस तरह से इस साइज का गमला है, तो आप एक लीटर पानी कम से कम लीजिए। और कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए ये चूना, ये देखिए चूना मैं लाई हूँ, ये देखिए चूना, ये आप किसी पान की गुमटी पे, पान की साफ में, ये मुफ्त में अगर आप मांगेंगे तो इतना तो वो मुफ्त में दे देते हैं, और नहीं तो 1 रुपये के छोटे छोटे पाउच आते हैं, ले आइए। और एक प्लांट के लिए इसकी बस ये इतनी सी मात्रा है, आप इतनी सी मात्रा आप एक प्लांट के लिए रखिए, बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि चूने में काटने वाली भी गुण होता है, चूना काट देता है, तो इसकी बस थोड़ी सी मात्रा एक कम ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 ग्राम इसको, अगर आप चाहें आपका गमला ज़्यादा बड़ा है और एकदम मिट्टी सूखी है तो अलग पानी में, नहीं तो इसी आयरन वाले पानी में इसको भी आप इस तरह से घोल दीजिए। इस तरह से घोल के, ये देखिए इस तरह से घोल दीजिए, तो आयरन और कैल्शियम का अच्छा मिश्रण तैयार होगा। और यही पानी आप अपने गमलों में ऐसे ऐसे, मैं थोड़ा डाल के दिखाती हूँ, ऐसे ऐसे डाल दीजिए, बस ऐसे पानी आप जो है लगभग 1 लीटर पानी, अगर आपकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई है तो 1 लीटर ये आयरन वाला बाल्टी से पानी लेके, और जो है इसमें जो मात्रा मैंने चूने की मंगाई है बताई है उसको आप करके और इस तरह से अपने प्लांट्स में डालिए। एक एक हफ्ते के अंतर में 3 बार डालिए तो देखिएगा कि आपके प्लांट में बहुत अच्छी उसकी जो है रौनक लौट आएगी, और इस तरह से प्लांट की पत्तियां ग्रीन और हेल्दी हो जाएंगी, प्लांट आपका हेल्दी दिखने लगेगा और अच्छी फ्लावरिंग भी करने लगेगा। फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो फ्रेंड मेरे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें प्लीज़। धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग। टेक केयर।